डेथ क्रॉस कर रही है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है। तो हम चल रहे हैं आज डिपो के अंदर, दुआई और भिक्कनपुर के बीच में बनाया गया है, गाजियाबाद में पड़ता है ये, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर वर्क चल रहा है अभी, ये देखिए। और देखिए वो रखे हुए हैं ट्रैक स्लैब, यहाँ तो बिल्कुल कंप्लीट सही काम हो चुका है गाइस। ये देखिए ये ट्रैक स्लैब है, इधर जो पीछे रखे हुए हैं मेरे राइट में, ये कुछ दिन पहले ही गाइस आपको बता दी, ये रोड बनाई गई थी और देख सकते हैं कि बारिश की वजह से कैसे उखड़ गई है। और ये बीच में है ये डिवाइडर, ये बीच वाला डिवाइडर है लेफ्ट में, और राइट में ये रोड बनाई गई है, मतलब कि 3 लेन की कर दी गई है। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों को केपी संत के चैनल पर इस RRTS का अपडेट देने के लिए आया हूं मैं, जो कि आपका आता है गाइस दोहाई डिपो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में। और यहां पर ये गार्ड बैठे हुए हैं, और आपको बता दूं ये देखिए इलेक्ट्रिक के खंभे लगा दिए गए हैं, अभी इनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट नहीं लगाया गया है, वो भी जल्दी लग जाएगा, और जब लग जाएगा तब आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, आज आपको क्लियर करके ही दिखाएंगे हम, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा शिकायतें करते हो। अब देख सकते हैं, आपको बता दूं कि ये लगाया जा रहा है टीन सेट, देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये टीन सेट लगाया गया है, देख सकते हैं इसका बिल्कुल काम कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों ने अगर शुरू से देखना है तो वीडियो जाके देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को। और देख सकते हैं ये बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं ये सारे, और इन पर ओवर हेड इक्विपमेंट नहीं लगाया गया है अभी तक, और यहाँ पर लग रही हैं लाइटें, देख सकते हैं यहाँ पर इंटरचेंज भी है इनका, तो यहाँ 3-4 इंटरचेंज बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीर, ये चमक रहे हैं खंभे बिजली के, और इन पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा देने के बाद में गाइस और इन पर बिजली की लाइन स्टार्ट कर देंगे डालने। तो चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है पूरा टीन सेड, अब इस पर टीन सेड लगाने का काम किया जा रहा है, ये देख सकते हैं ये रखे हुए हैं इसके, देख सकते हैं कितना भारी भरकम है, और इन पर पेंट भी किया जा रहा है साथ साथ, और फिर इन पर लगाया जाएगा टीन सेड ऊपर। तो ये नीचे का तो कंप्लीट हो गया, देखो वो बाकी बचा हुआ है उधर राइट में मेरे, और ऐसे ही होता हुआ ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेशन बनाया गया है RRTS का, ये स्टेशन है। ये देखिए यहाँ पर ये वर्क चल रहा है, अब वर्क जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का। देख सकते हैं ये वर्क चल रहा है अभी टीन सेट का, और यहाँ पर ये लाइटें लगा दी गई हैं, ये लाइटें लगा दी गई हैं, और इधर पर अभी वर्क चल रहा है, तो आपको उतर के दिखाएं क्या, उतर के भी दिखाएंगे आगे। देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है ये सारे, ये यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी होंगी RRTS इस पर खड़ी होगी, और दिखेगी तो आप लोगों को दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। और आपको बता दूं ये बनाया जा रहा है इनका ऑफिस, ये लेफ्ट वाला गाइस, ये लेफ्ट वाला ऑफिस है इनका RRTS का।
तो यहाँ पर एक गाड़ी देखो ये खड़ी है ट्रेन, उसके बाद में फिर इस पर वर्क चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी बस यही चल रहा है कि इस पर बनाया गया है, देखो ये यहाँ पर है ऑफिस ये वाला, और इधर ये ट्रेनें आएंगी जो RRTS आएगी वो इन पर सफाई अपाई का काम होगा। ये देख सकते हैं तस्वीरें, तो अभी काफ़ी सारा काम है इसमें होने के लिए। देखो इस पर टिन सेट लगा दिया गया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, ये देख सकते हैं अभी काम चल रहा है तेजी के साथ में गाइस। और आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो देख सकते हैं ये है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया है। और इधर आपको बता दूं कि सब कुछ कंप्लीट हो गया, तार पार भी लाइन भी खींच दी गई है इधर की। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए आज क्लियर करके। और देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी इस RRTS के डिपो में गई। ये देख सकते हैं ये सारा, और आप लोगों को अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा क्लियर करके, क्योंकि यहाँ पर वर्क चल रहा है तेजी के साथ में। अब पता नहीं है खड़ी है आ रही है, ये खड़ी हुई है अभी, तो बस यही है नज़ारा। और देखो RRTS वो वहाँ पर खड़ी हुई है वो उस जगह, तो चलिए वहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, उतरते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसा, ये दोहाई डिपो के अंदर मैं आ चुका हूँ। और देखिए यहाँ पर ये सारी लाइन क्लियर हो चुकी है, इधर भी देखो बिछ चुकी है, उधर भी ये बिछाए जा रहे हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा, देखिए ये है कुछ ऐसा दोहाई का डिपो, ये देख सकते हैं इस पर लाइन भी खींच दी गई है, ये देख सकते हैं पूरा ओवरहेड इक्विपमेंट लगा के इस पर लाइन बिल्कुल खींच दी गई है, और वो वहाँ पर खड़ी हुई है RRTS। देखो अभी तेजी के साथ में बहुत सारे मिस्त्री खड़े हुए हैं यहाँ के जो वर्कर हैं, और ये लगी हुई हैं लाइटें अभी इस पर भी। देखो कुछ इस तरीके से ये बिछाई जा रही है लाइन, तो आपको RRTS दिखाते हैं आगे चल के। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP Sant को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को दिखाता रहता हूं और बताता रहता हूं कि कहां पर कितना काम हो रहा है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से अपडेट नहीं दे पा रहा था इस RRTS की, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लाया हूँ। अब पूरी आपको RRTS भी दिखाता हूँ, क्योंकि उस दिन इस पर ट्रैक पर चलाई जा रही थी तो मैं नहीं आ सका, तो यही प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब जो जैसे ही इसका अपडेट आया करेगा वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाया करूँगा गाइस, देख सकते हैं अभी 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 तो बहुत काम है इस पर अभी, क्योंकि ये सन 2025 में स्टार्ट होगा पूरी तरीके से चलना, तो इस वजह से ही क्योंकि ये 23 में स्टार्ट कर दी जाएगी साहिबाबाद से और इससे दोहाई डिपो तक, देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का नज़ारा यहाँ पर, ये सारी पट्टियाँ यहाँ बिछा दी गई हैं, ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट से ही हो चुके हैं, बस इन पर अब गाड़ियाँ भी ये RRTS चलाई भी जा रही है गाइस, देख सकते हैं। ये है दोहाई का स्टेशन और सुबह के बज रहे हैं 8, और देखिए ये लाइन गेयर लगा दी गई है इस पर, कहीं कहीं बचे हैं ओवरहेड इक्विपमेंट लगाने के लिए। ये देख सकते हैं तस्वीरें, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का दोहाई डिपो का गाइस। और देखिए ये ट्रैक्टर, इस पर भी सारे वो बील पील लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये देखिए गाइस कुछ ऐसा होगा ये दोहाई स्टेशन। अभी तो यहाँ पर ये लाइन गेली जा रही है, लाइन लगाएंगे अभी, इधर भी लाइन लगाई जानी है, ये देखिए ओवरहेड लगा दिए गए, ओवरहेड इक्विपमेंट तो लगा दी गया, अब इस पर लाइन लगानी बाकी रहेगी जैसे कि इस तरीके से इस पर लगाई जाएगी। देखो ये लगा दी गई है, तो अभी काफ़ी प्रोसेसिंग में है, अभी टाइम है, तो अभी पहले से तो काफ़ी
आपको बता दूं कि यहाँ पर 80% काम हो चुका है इसका, RRTS का 80% हो जाने के बाद में गाइस बनाते हैं ये देखो इस पर चलेगी RRTS। ये देखिए आपको आगे RRTS दिखाते हैं और फिर आप बताना हमें, क्योंकि हम चल रहे हैं पटरी पटरी, आपको दिखाते हुए बताते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी प्रोसेसिंग में है काम। देख सकते हैं दोनों साइड में, ये देखिए ये बॉल लगाई जा रही है, साइड बॉल इस पर ये लगाई जा रही है, मतलब इसको कवर किया जाएगा पूरी तरीके से, क्यों ताकि यहाँ पर कोई आ जा ना सके। जो आम पब्लिक के लिए था, जो बिक्कनपुर गांव में जाने के लिए, वो ये बिक्कनपुर गांव यहाँ पर ये अंडरपास दे दिया गया है, और अंडरपास देने के बाद में इसके काम स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये खड़ी है RRTS, ठीक है, ये पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं, अभी इस पर बर्फ चल रहा है कि इन पर डाले जाएंगे ये पत्थर, जैसे कि इसमें ये देखो इसमें पत्थर डाले जाएंगे ये सारे, ठीक है, ये देखिए, और ये पानी का ही है सब बनाए जा रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर ये RRTS खड़ी हुई है, और वर्कर देखिए काम करने के लिए जा रहे हैं गाइस, ये देख सकते हैं ये अंडरपास है, यहाँ का अंडरपास बनाया गया है ये यहाँ से, उसके उस दिन इस पर ट्रायल किया गया था RRTS का। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर, क्योंकि इसमें पत्थर भरी जाएंगे, और ये है आपका अंडरपास, देखो वो उधर से चमक रहा है पूरा, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है गाइस। देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ये देखिए ये सारे वर्कर जा रहे हैं, अभी काम हो रहा है उधर, टीन सेट का भी काम हो चुका है सारा, मतलब कि कंप्लीट सही हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद में इस पर काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपको बताते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे गाइस, ठीक है ना। तो आपको देखो हम आ चुके हैं RRTS के पास में, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है, और बताएंगे भी, गार्ड से भी पूछेंगे तो क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं वहाँ तक ले आया हूँ और फिर आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करूँ, तो गार्ड बताएंगे।